हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड घेवर, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, चीनी, ऑयल और ब्रेड स्लाइसेस। और यहाँ पर हमें रबड़ी बनाने के लिए दूध। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी। सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, जिससे हम रबड़ी बनाएंगे। और इसको हम अभी आँच फ्लेम को अपने हाई रखेंगे जब तक दूध बॉयल नहीं होता है। और दूध बॉयल होने के बाद हम गैस को सिम कर देंगे बिल्कुल। देखिए रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दिए 1/2 कप चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये इसमें डाले मैंने थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए। तो ये मैंने काजू, बादाम और चिरौंजी को रख लिया था थोड़े से काट के। इनको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इस रबड़ी को 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, क्योंकि चीनी घुल जाए जब तक हमारी। तो देखिए अब हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। अब हम घेवर के लिए बनाएंगे चाशनी। उसके लिए मैंने 1 भगोने में 2 कप चीनी ली है और इसी कप से 1 कप पानी डालेंगे। हमारा चाशनी में चीनी का मेजरमेंट यही है, 2 कप चीनी। जितनी चीनी लेंगे उसका 1/2 हम पानी डालेंगे। और इसको हम पका लेंगे चीनी को। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए जैसी हमें चाहिए थी बिल्कुल उसी फॉर्म में चाशनी आ चुकी है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और चाशनी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम तैयार करेंगे अपने घेवर। उसके लिए मैंने ये ब्रेड स्लाइस ली है, वाइट वाली ब्रेड स्लाइस। इसको हम किसी कटर से इस तरह से सभी ब्रेड्स की राउंड शेप में काट लेंगे, जिस तरह से हमारा घेवर राउंड शेप में होता है। ये देखिए अपनी सारी ब्रेडों को इसी तरह से काट लेंगे। तो ब्रेड हमारी सारी कट चुकी हैं। तो ये देखिए सारी ब्रेड्स हमारी कट चुकी हैं। अब हम इनको एक छोटा सा कोई भी ढक्कन या कटर ले लेंगे, उससे हम बिल्कुल सेंटर में इसके फिर से एक होल कर लेंगे, जैसा कि घेवर में हमारे बीच में बिल्कुल होता है। तो मैंने सारी ब्रेड स्लाइस काट ली थी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था तेल। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम इनको ब्राउन होने तक सेक लेंगे। सभी घेवर को हम इसी तरह से ब्राउन होने तक इनको सेकेंगे। ये देखिए हमारे सारे घेवर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हमें पहले से चाशनी में नहीं डुबोना है। जब हम इनको सर्व करेंगे तो बस इसी तरह से चाशनी में डुबो के इनको निकाल लेंगे। अगर हम पहले से इनको डुबो के रख देंगे तो ये हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, इनका कुरकुरापन ख़त्म हो जाएगा। और हमारी चाशनी भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, गर्म चाशनी में भी हम इनको नहीं डुबोएंगे।
तो इस तरह से हम इनको सभी घेवर्स को इसी तरह से चाशनी में डुबो डुबो के निकाल लेंगे। तो अब देखिए, अब हम इनके ऊपर ये जो रबड़ी बनाई थी हमने, इस तरह से लगा देंगे चारों तरफ से, और उसको कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बचा लिए थे उनसे डेकोरेट कर देंगे। तो ये देखिए, तैयार हो गए हमारे घेवर, और ये खाने में बिल्कुल मैदा वाले घेवर की तरह ही टेस्ट होता है, और ये बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। तो चलिए फिर देखिए, तैयार है हमारे घेवर। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।